जैसे पेशेंट कोई थी पहले से 29-30 के आसपास एक्सपेल होगा और वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट स्नो इन लोअर प्लेन्स और लोअर रीच में, मॉडरेट स्नो इन मिडल रीच और हायर रीच में हैवी स्नोफॉल भी हुआ है। तो अभी ये जो सिस्टम चल रहा है ये आज शाम तक रहेगा, बीच बीच में रुकेगा कुछ एक जगहों पे, लेकिन जो हायर रीच हैं या जम्मू के ईस्टर्न पार्ट्स हैं खासकर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बटोट, इन सारे एरियाज़ में कंटिन्यूसली आज दिन भर रहेगा और आज शाम के बाद जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं वेदर में। इस लगभग 4 इंच से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों में हुई है। ओवरऑल मैदानी इलाकों की नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कश्मीर की या साउथ कश्मीर की बात करेंगे, बाकी 6 से लेकर 8 इंच तक जैसे मैंने बताया मिडल रीच में हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा चिलाई क्लान के लास्ट में एक अच्छा स्पेल जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब, तो वैसा ही हुआ। इंशाल्लाह आप आज शाम तक ये रहेगा और लगभग 4 तारीख शाम तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। बीच में ओकेजनली क्लाउडी हो सकता है, पूरा वेदर ड्राई या क्लियर नहीं है, तो कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है फिलहाल 4 फरवरी तक। बिल्कुल अभी स्नो एवलांच के वाकयात हर जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। कल डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर भी एक स्नो एवलांच की वजह से 2 छोटे बच्चों की जान चली गई थी। तो लोगों को फिर से एक बार हम अपील करते हैं कि जो खासकर मिडल और हायर रीच में जो रहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी मॉडरेट टू हैवी स्नो हुआ है, पिछला भी स्नो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, तो ऐसे जगहों पे हमेशा एवलांच के काफ़ी ज़्यादा खतरात और वाकयात हो जाते हैं। तो लोगों को लगभग नेक्स्ट 48 to 96 आवर्स तक थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। बाकी जो ट्रैवल करते हैं खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे या बाकी शाहराहों के अंदर खासकर जो पहाड़ी एरिया के हैं, थोड़ा एहतियातन ड्राइव करें और ट्रैफिक हाईवे का स्टेटस जाने अपना जर्नी शुरू करने से पहले, और उसी हिसाब से वो अपना जर्नी वगैरह प्लान करें अकॉर्डिंगली। जम्मू जी बिल्कुल, जम्मू के जम्मू डिवीज़न के अंदर भी मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं, और ख़ासकर मैंने पहले ही बताया डोडा, किश्तवाड़, बटोट, भद्रवाह, इन सारे एरियाज़ में अभी प्रेसिपिटेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इन जगहों पर भी लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखना होगा क्योंकि लैंडस्लाइड्स के वाकयात इन सारे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। बाकी खतः लद्दाख के अंदर भी लगभग 6 इंच से लेकर 8 इंच तक की बर्फबारी हुई है बेशतर इलाकों में। डिस्ट्रिक्ट लेह कारगिल की अगर हम बात करेंगे 4 इंच तक की बर्फबारी हुई है। तो ओवरऑल एक वाइड स्प्रेड मॉडरेट टू हैवी स्पेल हुआ है इस सिस्टम के कारण। अभी मैदानी इलाकों में तो नहीं है, रुक रुक के आज बर्फबारी जो है चलता रहेगा, बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कुछ एक जगहों पर 2 फीट से ऊपर भी है, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में माचिल कहें या गुरेज तिलेल एरिया या यहाँ साउथ कश्मीर के अगर हम शुपियान और कुलगाम के जो हायर रीच हैं इन सारे एरियाज़ में 1.5 फीट से लेकर 2.5 फीट तक की बर्फबारी हुई है औसत में।